स्टार्ट टॉकिंग क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 13.6। इन क्वेश्चन नंबर टू द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेमी क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास 0.6 ग्राम सो वी नीड टू फाइंड आउट हेयर मास ऑफ द पाइप इजेंट इट। तो पहले तो हम इसमें ये राइट कर देंगे कि हमारे पास क्या क्या है इस क्वेश्चन में इजेंट इट। तो देखिए गिविन में हमने सबसे पहले राइट कर दिया क्वेश्चन नंबर टू में वी हैव हेयर इनर डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं 28 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, इनर रेडियस हो जाएगी 24 ओवर 2 13.6 एक्सरसाइज चल रही है ये हो गया 12 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर से ले लिया है 28 ओवर 2 यानी 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें अगर हम डायग्राम में बात करें तो देखिए ये हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर और ये आउटर डायमीटर जो हो गई हमारी ये हो गई 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बताइए कोई बात हो तो कोई प्रॉब्लम। अब देखिए हमें इसके मास के लिए वुड का मास निकालना, जो वुड है ना हमारी इसका मास निकालना। तो देखिए इसके लिए ये जो इसका इनिशियल पार्ट होगा पाइप का वो तो खाली होगा ओपन होगा और इसके बीच में यहाँ पर ये वुड होगी, ये वुड है जो मैं इसको वो कर रहा हूँ, ये मेरी क्या है, ये मेरी वुड है। ठीक है, ये वुड है तो मुझे इसका एरिया इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना वुड का, ये जो ये वुड है मेरी इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना, ये जो ये पट्टी सी दिखाई दे रही ना ये मतलब मैंने एक शेप दे दिया, पाइप तो नहीं है लेकिन इस शेप में इसके सर्कुलर वो होंगे तो बीच का जो इसका पार्ट होगा वो पार्ट तो ओपन होगा और इसमें यहाँ यहाँ पर ये लकड़ी लगी हुई होगी पाइप में, मतलब पाइप में ना बीच का तो ओपन होता और ये इसके और इसके बीच में क्या होगी ये वुड लगी हुई होगी तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे पहले। ठीक। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे इस आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे देन वी कैन ईजली गेट वॉल्यूम ऑफ वुड। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, वी हैव वॉल्यूम ऑफ वुड, क्योंकि हमें मास किसका निकालना, मास तो हमें वुड का ही निकालना, द लेंथ ऑफ पाइप द मास ऑफ फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेमी ऑफ द वुड हैज ए मास। तो वॉल्यूम तो हमें वुड वॉल्यूम किसकी ज़रूरत है, अगर हमें पाइप का मास निकालना तो हमें वुड के वॉल्यूम की ज़रूरत है। वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर क्या होगा, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम का तो यही फॉर्मूला और आउटर के लिए हमने कैपिटल आर यूज़ कर लिया और इनर के लिए हमने, अब देखिए इसका फॉर्मूला बना देते हैं हम, पाई और एच तो कॉमन है ये हमें मिल गया आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मिल गया। क्लियर। अब देखिए इसके बाद, अच्छा मतलब हम वुड का वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं जबकि मास तो हमें पाइप का निकालना है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, गुड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में अगर हम लास्ट के बुक में लास्ट का पॉइंट नोट करो,
फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेमी क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो इसने यहाँ पर कहा है इफ से नोट करो, इफ 1 सेमी क्यूब ऑफ वुड हैज 1 मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो यहाँ वुड की बात हो रही, वुड के मास की बात हो रही, यानी 1 सेमी क्यूब ऑफ वुड। तो हमें जब हम वुड का वॉल्यूम निकालेंगे, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुड इज वुडन पाइप ही तो है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है ये, ठीक है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप मतलब जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो वुड का है, लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए निकाल रहे हैं हम ये पाइप। ये इसके जो बीच में होगी यहीं तो वुड लगी हुई होगी पाइप के बीच में, अंदर से तो खोखला होगा पाइप, इसलिए वुडन पाइप ही तो है, तो इसलिए वुडन पाइप का ही तो मास फाइंड करेंगे, वुड का ही तो मास फाइंड करेंगे, जो ये अंदर इसके वुड लगी हुई होगी उसी का तो वॉल्यूम निकालेंगे हम, और उसके वॉल्यूम को ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। चलिए देखिए, ये मैंने इनर आउटर ले लिया, ये आउटर वाला, और ये मैंने इनर वाला ले लिया, इनर वाला ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला बना दिया, पाई एच कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब इसमें क्या करो, जो जो वैल्यू तुम्हारे पास हैं वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक। देखिए पाई की वैल्यू तो 22/7 ही पुट करेंगे हम, एच की वैल्यू हो गई हमारे पास, एच क्या था, लेंथ था यहाँ, एच की वैल्यू कितनी थी बुक में, एच की वैल्यू थी हमारी 35 सेंटीमीटर। लेंथ को हाइट या लेंथ बात एक ही है, ये एल से भी डिनोट कर सकते हैं इसे, ये 35 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो ये 35 हो गया हमारा, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, कैपिटल आर की वैल्यू भी है 14 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर हमारा स्मॉल आर आएगा क्योंकि एच तो कॉमन आ गया था, इसकी वैल्यू हो गई 12 स्क्वायर, ठीक। अब क्या करो, ये 5 टाइम ये हो गया 110 25 की उसकी, अब यहाँ पर क्या है, एक बार ऐड कर दो एक बार माइनस कर दो, बहुत ये तो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है फॉर्मूला, और एट क्लास में भी पढ़ कर आए हैं, नहीं आ रहा समझ में, चलो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, नहीं आ रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, क्या है इसमें समझने का, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, 110 मल्टीपल 62 मल्टीपल 2। अब कर दो इसकी डायरेक्टली मल्टीपल, हम क्या करेंगे 22 0 की 26 से मल्टीपल कर दो, 0 0 0 ये आ गया, 0 4 4, 0 2 7 5 ये हमारे आ गया, इसका मल्टीपल करके यहाँ पर 5720 सेमी क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया, वॉल्यूम ऑफ वुड कह दो या वॉल्यूम ऑफ पाइप कह दो, बात एक ही है, वॉल्यूम ऑफ पाइप भी लिख सकते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें करने क्या जा रहा है, हम देखिए इसमें क्या कहा था, 1 सेमी क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास इतना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ पाइप, मास सो करके लिख दो, सो मास ऑफ पाइप, मास ऑफ पाइप के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 सेमी क्यूब ऑफ वुड हैज 0.6 मास था, तो वॉल्यूम ऑफ वुड की हम किससे मल्टीपल कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड की मल्टीपल कर देंगे हम यहाँ पर मास से, जो इसका मास था, ठीक। तो ये हमारा कितना है 5720, और ये कितना हमारा 0.6, ठीक, क्योंकि 1 सेमी क्यूब में क्या था, 1 सेमी क्यूब में आपका 0.6 था, तो इतने सेमी क्यूब में क्या होगा, इतने सेमी क्यूब में 0.6 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक। तो करो मल्टीपल, ये आ गया
0.0, ये हमारा ग्राम में आ गया, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में ये हमें फाइंड हो गया। देखिए ये ग्राम में हमें फाइंड हो गया। अगर आपको इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो इसे 1000 से डिवाइड कर देना तो ये आपका आ जाएगा। अगर आंसर शीट से मैच करना, वैसे तो उसने किलोग्राम को नहीं कहा था, लेकिन अगर करना है तो 4 3 इसे किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, 3.432 किलोग्राम में आ जाएगा ये, ठीक है, अगर आंसर शीट से मैच करना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।